दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी केयर कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में और देखेंगे कि किस प्रकार मोदी केयर अपने कंसल्टेंट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मोदी केयर कंपनी के इतिहास के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फिर ऊपर आई बटन पर दबाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं मोदी केयर इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसने इंडिया में MLM की शुरुआत की। कंपनी के मालिक मिस्टर समीर मोदी जी ने इंडिया में MLM की संभावनाओं को देखते हुए 30 मार्च 1996 को मोदी केयर को लॉन्च किया। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें लोग अपनी ज़रूरत का सामान यूज़ करते हुए इनकम कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। मोदी केयर के इस इनकम प्लान का नाम है समीर मोदी आज़ादी प्लान। इस प्लान की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं जैसे कम्युनिटी बिजनेस वॉल्यूम यानी जुड़ता हुआ बिजनेस, आपका बिजनेस हमेशा जुड़ते क्रम में चलता है, नेवर रीच जीरो कभी शून्य ना होने वाला बिजनेस, आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है, ओनली प्रमोशन यहाँ सिर्फ प्रमोशन होता है कोई भी डिमोशन नहीं होता है, वन टाइम अचीवमेंट्स सिर्फ एक बार अचीवमेंट लेनी होती है और आपका लेवल परमानेंट हो जाता है, नो रिन्यूअल कोई भी किसी प्रकार की फीस या चार्ज नहीं देना होता है रिन्यूअल के नाम पर, और सबसे अच्छी बात कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम का 62% पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करती है। मोदी केयर कंपनी में 8 प्रकार से इनकम होती है जिसमें पहली इनकम है सेविंग ऑन कंजप्शन अप टू 20% यानी खरीदारी पर बचत। अगर आप मोदी केयर से ख़रीदारी करते हैं तो प्रत्येक प्रोडक्ट पर 20% तक की छूट मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है तो डिस्काउंट करके आपको वह लगभग 80 रुपये में मिलेगी और आपको 20 रुपये की बचत हो जाएगी। दूसरी इनकम है रिटेल प्रॉफिट अप टू 20% यानी खुदरा लाभ। यदि आप मोदी केयर से डिस्काउंट प्राइस पर प्रोडक्ट खरीद कर उसे MRP पर किसी को बेच देते हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट का लाभ मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई प्रोडक्ट जिसकी MRP 100 रुपये थी उसे मोदी केयर से डिस्काउंट प्राइस पर 80 रुपये में ख़रीदा और उसे आपने किसी को 100 रुपये MRP पर बेच दिया तो आपको 100-80=20 रुपये का लाभ हो जाता है। अब आते हैं तीसरी और महत्वपूर्ण इनकम पर जो है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है 7 से लेकर 22% तक। ये एक तरह की सब्सिडी इनकम होती है जो सीधे आपके बैंक के खाते में जाती है। इसमें 7% से लेकर 22% तक के लेवल्स होते हैं और इन लेवल्स के आधार पर इनकम जनरेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप मोदी केयर से एक पेस्ट खरीदते हैं जिसकी MRP 75 रुपये है जो डिस्काउंट करके 62 रुपये में मिल जाता है, साथ ही उस पर आपको 31 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं और आप 7% सब्सिडी के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि 7% सब्सिडी लेने के लिए 27 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी होती है और मोदी केयर में लगभग 2 रुपये में एक बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। तो 7% के हिसाब से उस पेस्ट पर 31×7/100=2.17 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाती है। यदि धीरे धीरे करके आप 22% पर आ जाते हैं तो उसी पेस्ट पर आपको लगभग 6.82 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मोदी केयर में सभी प्रोडक्ट्स पर आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं और प्रत्येक प्रोडक्ट पर आपको सब्सिडी इनकम मिलेगी। अगर आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मोदी केयर के इस आज़ादी प्लान के बारे में बताते हैं और वो अपनी ख़रीदारी मोदी केयर से करते हैं तो उनके साथ साथ आपको भी इनकम में इजाफा हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए मोदी केयर में आपका लेवल 22% है और आपके द्वारा कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं जिसमें ए 7% पर, बी 10% पर, सी 7% पर है और वह 3,000-3,000 का अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और उन पर 1,500-1,500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं। तो ए को 1,500 का 7% लगभग 105 रुपये, बी को 1,500 का 10% 150 रुपये और सी को 1,500 का 7% 105 रुपये उनको सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है डिफरेंस अमाउंट। आप 22% पे हैं और ए 7% पर, तो आपको मिलेगा 22-7=15% यानी 1,500 का 15% 225 रुपये। इसी तरह बी से 22-10=12% यानी 1,500 का 12% हुआ 180 रुपये और सी से भी 15% यानी 225 रुपये। तो आपकी टोटल इनकम हुई 225+180+225=630 रुपये। ये इनकम इसी तरह काम करती है, आप जितने लोगों को बिजनेस शेयर करेंगे आपकी उतनी ही इनकम होगी। दोस्तों जैसे ही आप 22% लेवल पर आ जाते हैं तो आपकी चौथी इनकम शुरू हो जाती है जिसे डायरेक्टर बोनस कहते हैं, जो आपको 14% मिलता है। ये एक तरह की रॉयल्टी इनकम होती है जो कंपनी के बिजनेस में सभी डायरेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके लिए आपको कम से कम 1250 PGPV करने होते हैं, यहाँ 1 PV = 27 BV के बराबर होता है। इस हिसाब से 1250 PGPV = 33,750 BV के बराबर होते हैं। यह 33,750 BV आपके और आपकी पूरी टीम के मिलाकर होने चाहिए।
दोस्तों अगली और पांचवी इनकम आती है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये आपको मिलता है 15%। इसके लिए आपका लेवल सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब आपकी टीम में एक व्यक्ति 22% पर और उस लेख से ग्रुप पीवी 3600 और इसके अलावा साइट से 1100 पीजीवी भी होने चाहिए तो आप एलपीवी लेने के हकदार हो जाते हैं। छठी इनकम है ट्रैवल फंड, जो मिलता है 3% और इसी फंड से मोदी केयर साल में 2 बार विदेश यात्रा की शेयर भी करवाता है। इस ट्रैवल फंड को लेने के लिए आपका लेवल सीनियर डायरेक्टर और आपके डाउन में किसी भी एक व्यक्ति का डायरेक्टर लेवल मेंटेन होना चाहिए और साइड से 1100 पीजीवी भी करने होते हैं। सातवीं इनकम है ड्रीम व्हीकल फंड, जो मिलता है 5%। मोदी केयर आपको अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए भी पैसा देती है। इस फंड को लेने के लिए आपका लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब आपके डाउन में 3 डायरेक्टर साथ ही साइड से 600 पीवी का बिजनेस भी होना चाहिए। दोस्तों आठवीं और आखिरी इनकम है ड्रीम हाउस फंड, जो मिलता है 3%। मोदी केयर आपको आपके सपनों का घर बनाने के लिए भी पैसा देती है और इस फंड को लेने के लिए आपका लेवल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होना चाहिए और आपके डाउन में 6 डायरेक्टर होने चाहिए। साथ ही साइड से कोई भी पीजीवी भी करना नहीं होता है। मोदी केयर की सभी इनकम लाइफ टाइम मिलती हैं। दोस्तों इन 8 इनकम्स के अलावा मोदी केयर समय समय पर गिफ्ट, ऑफर, रिवार्ड, अवार्ड भी देती रहती है। मोदी केयर का बेहतरीन बिजनेस प्लान आपके और आपके पूरे परिवार के सपने पूरे करने का दम रखता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मोदी केयर के बहुत ही ज़बरदस्त लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।